चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा आपको पढ़ना है एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, और इसी में से ही एक लाइफ प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप पढ़िए और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसका नोट्स भी बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ हमेशा फंक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है, तभी उनकी लाइफ इस अर्थ पर मेंटेन बनी रहती है। जैसे होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऐसे ही और भी है, मेन आप लोगों को इतना जानना है। एक होता है रिप्रोडक्शन, ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को लाइफ सर्वाइव करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत से मटेरियल इन्वायरमेंट से लेना पड़ता है, जिसको आप लोग कलेक्टिवली फूड कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और बॉडी में उसको यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना या ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को अपने बॉडी में सिंथेसाइज करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब देखिए, जो बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट लगते हैं उसमें होते हैं एक कुछ होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी में खुद सिंथेसाइज कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, तो इस न्यूट्रिशन को हम लोग नाम देते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डिफिनेशन आप लोगों को लिखित में भेज दी जाएगी, ठीक है। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? प्लांट्स, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक फूड फार्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड में बेसिकली होता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज होता है, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी को पहले बनाते हैं, बाद में इससे और ऑर्गेनिक चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है।